सत श्री अकाल जी, फैक्ट न्यूज़ तुसी देख रहे हो। मैं तुहाडे नाल मनप्रीत गिल एक वड्डी खबर लेके हाजिर हाँ। कांग्रेसी आगू साबका उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी दीआं मुश्किलां हुण होर वधदीआं होईआं नज़र आ रहीआं ने, क्योंकि विजिलेंस दे वड्डे एक्शन दे मगरों हुण ईडी ने भी शिकंजा कस दित्ता। ईडी ने एक एक पैसे का हिसाब मंगिया। ओपी सोनी दीआं मुश्किलां वधदीआं होईआं नज़र आ रहीआं ने, क्योंकि उन्हां दी चल अचल जायदाद अते बैंक खात्यां दी जानकारी मंगी आ। तो ईडी नूं इह शक है कि इह जदों कांग्रेसी आगू ओपी सोनी उप मुख्यमंत्री सी जां जदों पावर दे विच सी उस समय कोई ना कोई हेर फेर होई हो सकती है। इस करके जिथे विजिलेंस ने एक्शन लिया है, विजिलेंस का एक्शन का कारण है कि आमदन तो ज़्यादा जायदाद है, तो हुण ईडी भी हिसाब मंगेगी एक एक पैसे का। तुहानू दस दिए हुण कांग्रेसी आगू ओपी सोनी दीआं मुश्किलां होर वधदीआं हुई नज़र आ रही ने। विजिलेंस के एक्शन के मगरों हुण ओपी सोनी के खिलाफ ईडी भी शिकंजा कस रही है। तो ईडी के वलों जिहड़ी जांच है वह आरंभ कर दी गई है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो नूं पत्र लिख के चल अचल संपत्ति के वेरवे मंगे ने, बैंक खात्यां दे बारे मुकम्मल जानकारी मंगी है। तो ओपी सोनी के खिलाफ जो FIRs दर्ज हुई ने, उन्होंने FIRs दीआं कॉपियां मंगिया गई ने कि विजिलेंस ने जो FIR दर्ज की उस दे विच जो बयान दर्ज होए ने वो दस्तावेज तुरंत मंगे गए ने ईडी के वलों। तो पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने जुलाई महीने के ओपी सोनी के खिलाफ आमदन तो वध जायदाद का मामला दर्ज किया। इस मामले के विजिलेंस ने ओपी सोनी नूं जुलाई के पहले हफ्ते के गिरफ्तार भी किया, जिसका कांग्रेसी आगू विरोध करते हुए भी नज़र आ रहे थे। कांग्रेसी आगुओं का कहना कि जानबूझ के कांग्रेस को तंग किया जा रहा, बदनाम किया जा रहा, पर हुण एक एक पैसे का हिसाब विजिलेंस और ईडी ने मंगना, क्योंकि भगवंत सिंह मान भी लगातार कहते हैं कि पंजाब इस करके तरक्की नहीं की कि जिहड़ियां पिछलियां सरकारां दे समय जो वड्डे अहुदिआं ते सी उन्हां ने पंजाब नूं लुट के खा लिया। तो हुण विजिलेंस तो ईडी लगातार कार्रवाई के लगिया हुई ने। विजिलेंस वालों होर भी कई कांग्रेसी आगुआ से शिकंजा कसया गया, पर हुण ओपी सोनी भी ईडी के शिकंजे ते ने। तुहानू दस दिए विजिलेंस ने मुढ़ली तफतीश करदिआं इह दावा कीता सी कि साल 2017 तो ओपी सोनी के वलों 9 जायदादा बनाईआं गईआं ने, ते इन्नी जायदाद बनी किवें, उन्हां दी आमदन तां घट सी। तां शक इह है कि पंजाब दे खजाने चों किते इह मंत्री जदों हैगे सी उदों अपने घर तां नहीं पूरे कर ले, तां इस करके हुण जांच जारी है। तो समय के दौरान एक कांग्रेसी आगू कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई वाली सरकार दे विच मंत्री, तो फिर चरणजीत सिंह चन्नी की अगवाई वाली सरकार दे विच उप मुख्यमंत्री रहा। तो विजिलेंस ने इस सत्ता दे काल नूं जांच दे आधार बनाया कि उस समय किन्नी क जायदाद ओपी सोनी जां होर कांग्रेसियों की बनी है, जिन्हां ते शक है उन्हां ते कार्रवाई भी की जा रही है। तो विजिलेंस के मुताबिक 27 दिसंबर 2017 नूं मोहाली दे विच एक मकान जो कि 1.25 करोड़ रुपए दे विच खरीदिया गया सी, 12 जून 2019 नूं परिवारक मैंबरां दे नाल मिलके 11 कनाल अते 11 मरले तो वध दी जायदाद बनाई है। एक प्लाट उन्होंने खरीदिया, तो यह प्लाट उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से खरीदिया। 11 कनालों का 11 मरलों का प्लाट है, तो यह महंगी कीमत का प्लाट है। तो इसते 1.25 करोड़ रुपए तो वध दा खर्चा किया गया। तो कांग्रेसी आगू ने अपने पुत्र राघव सोनी के नाम से भी एक बंगला उसारिया होया, तो इसते 4,29,18,000 रुपये खर्च किए गए ने इस बंगले से। तो एडा आलीशान बंगला इन्हां मंत्रियों के कोल किवें बन जाता है, तो शक यह है कि जो ये मंत्री सी चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई वाली सरकार च चाहे चरणजीत सिंह चन्नी की अगवाई वाली सरकार दे विच, उस समय जिहड़ा पैसा पंजाब दा सी, पंजाब दे खजाने दे विचों पैसे की हेर फेर करके इन्हां लीडरां ने अपने घर पूरे कर ले ने। पर हुण भगवंत सिंह मान कहिंदे कि असीं किसे नूं नहीं बख्शणा, एक एक पैसे का हिसाब लवांगे। तो विजिलेंस हुण कार्रवाई दे विच लगी भी हुई है, हुण तां ईडी ने भी ओपी सोनी के खिलाफ शिकंजा कस दिता है। तो इस तरह साबका उप मुख्यमंत्री ने अलायंस प्राइवेट लिमिटेड अमृतसर के लड़के के नाम से 1,29,00,000 रुपए की जायदाद खरीदी हुई है। तो 1,00,00,000 रुपए की जायदाद ये लीडर इकट्ठी बनाते रहे हैं। तो इस तरह साबका उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी ने अलायंस प्राइवेट लिमिटेड अमृतसर के अपने लड़के के नाम से 1,29,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। तो ग्रीन एवेन्यू अमृतसर के 42,82,000 रुपए की कोठी भी खरीदी सी, 51,00,000 रुपए का निवेश एक फर्म से, इस तो अलावा 1,22,00,000 रुपए का एक साई लॉजिस्टिकल पार्ट्स कंपनी के इनवैसट किया गया। तो 1,00,00,000 रुपए दे मोटी रकम जिहड़ी अपने परिवारक मैंबरां दे नाम से ते पत्नी के नाम से जां कह लो अपने पुत्र के नाम से इनवैसटमेंट करके चलाई गई है,
कोठियां खरीदियां गई ने, प्लाट खरीदे गए ने, आलिशान बंगले बनाए गए ने, इन्ना पैसा किमें आ गया? हालांकि इन्हों की आमदन तो घट है जो इन्होंने दसी हुई है, तो इस करके जो लगातार इन्ने पैसे की जिहड़ी जानकारी मिलती है विजिलेंस नूं जां ईडी नूं, तां सीधा शक जांदा है कि कोई ना कोई पुट्ठा काम किया, ठगे गए ने पैसे पंजाब के खजाने चों, जिहड़े पैसे लोगों ते लगने सी तां उह पैसे इन्हां मंत्रियों ने इन्हां लीडर ने अपने घरां ते लगा लिते। इस करके हुण इन्हां संपत्तियां दा वेरवा मंगया गया ईडी दे वल्लों, बैंक खातियां दी जानकारी मंगी गई है, तो जिथे विजिलेंस दे वल्लों लगातार कार्रवाई की जा रही है ओपी सोनी दे खिलाफ, तो हुण विजिलेंस दे मगरों ईडी ने भी वड्डा एक्शन ओपी सोनी दे खिलाफ लिया।